चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश को संबोधित करेंगे। कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू को लेकर ढील मिल सकती है, इसके बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जानकारी देंगे। पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत भी दिए थे कि 17 मई से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी उन जिलों में जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, और इसमें छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर जिले भी के नाम शामिल हैं। यह ढील दी जा सकती है। अब ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बार फिर प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं, जहां कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू को लेकर ढील मिल सकती है। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसको लेकर चेन तोड़ने की बात यहां पर सीएम और सरकार राज्य सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही है, एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। और अब ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन, कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू को लेकर ढील मिलने की बात भी यहां पर कही जा रही है, क्योंकि पिछले संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत भी दे दिए थे। और हमारे साथ फोन लाइन पर एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। गीत जी, एक बार फिर यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन और कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलने की बात कही है। फिलहाल छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा ऐसे जिले हैं जहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है और इसके संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए थे, क्या और जिलों में भी ढील मिल सकती है? मैं आपको ऋतु बता दूं, सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस हफ्ते में दूसरी बार जो है जनता के नाम अपना संदेश जारी करेंगे। उन्होंने जब इससे पहले जनता के नाम पर जो संदेश जारी किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि जहां संक्रमण की रफ्तार 5% से कम है वहां जो है पाबंदियों के साथ ढील दी जा सकती है, लेकिन अगर वही बात कर रहे ऋतु की बड़े शहरों की, खासकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन की, यहाँ संक्रमण की रफ्तार इतनी है कि यहाँ मुझे हमारे सूत्रों को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ किसी तरह की कोई ढील दी जाएगी। लेकिन आज जो संदेश जनता के नाम पर जारी होगा उसमें ये बात एनालिसिस कर ली गई होगी कि आखिर संक्रमण की रफ्तार कितनी है, और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पाबंदियों के साथ जो रियायत दी जा सकती है जिलों में, जिस तरह से बात कर रहे हैं रतलाम में और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया, मतलब जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, 28 तारीख तक उसको ऋतु कर दिया गया है। लेकिन आज जो होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट तैयार करी होगी उस आधार पर बात होगी, बताइए ऋतु जी। अगर यहाँ पे ढील की जिस तरह से बात की जा रही है, ऐसे में क्या किसी भी तरह की सख्ती भी हो सकती है? क्योंकि अगर ढील दे दी गई और अनलॉक कर दिया गया किसी चीज को तो एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऋतु, जो हमारे सूत्रों की जानकारी उस आधार पर यह है कि रियायत के उद्देश्य पाबंदियों के साथ दी जाएगी। जैसे किराना दुकान है, अभी तक होम डिलीवरी हो रही थी, लेकिन अगर कुछ एक समय सीमा तय कर दी जाएगी उस आधार पर उतने समय तक दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के माध्यम से होगी। इसके साथ ही सब्जी और जो फल वगैरह है वो आसानी से खरीदे जा सकेंगे, और जो पाबंदियों के साथ जिसमें भीड़ भड़क का ना बढ़े इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कुछ ढील दे सकते हैं। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश को संबोधित करेंगे, कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू को ढील मिल सकती है। जहां पिछले दिनों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान संकेत भी दिए थे संबोधन के दौरान कि कुछ जिलों को ढील दी जा सकती है, अनलॉक की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी।